हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोलकाता स्ट्रीट फूड चटपटी की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे बहुत पसंद किया जाता है और बहुत लोग इसे ब्रेड से भी खाते हैं, बहुत लोग सिंपल इस तरह से ही खाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे बनाया है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी किस तरह से इसे बनाना है और आप इजी घर पर कोलकाता स्ट्रीट फूड चटपटी को आप बना सकते हैं। तो ये चटपटी जितना देखने में डिलीशियस है, खाने में वाकई उतना ही डिलीशियस है और बहुत इजी इसे बनाना। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 250 यहाँ पर मैंने पीला मटर लिया, इसे रात भर भिगो के रखा है और साथ में यहाँ पर दो आलू लेंगे, इसे एक साथ ही बॉईल करेंगे। इन दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके अंदर एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और एक पिंच यहाँ पर येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर दो गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 8 से 10 सीटी लगा लेंगे। इसे हमें गलाना है तो यहाँ इसे मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर हमें बेकिंग पाउडर सोडा कुछ भी नहीं देना, डायरेक्ट इसे सीटी लगाकर निकाल लेंगे। यहाँ पर स्टीम निकल गई है, ढक्कन खोल लेंगे और आलू को निकाल कर अलग मैश कर लेंगे और इसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर बहुत अच्छे से यहाँ पर गल गया है, इतना ही गलना चाहिए। और यहाँ पर 1/2 कप मैंने इमली का पल्प लिया है, ज़रा सा पानी ऐड किया है इसमें और यहाँ पर आलू को भी मैश कर लिया है। और ये मेरा चाट मसाला है, इसे मैं हमेशा तैयार करके रखती हूँ, जितनी ज़रूरत होगी उतना यूज़ करेंगे और बहुत सिंपल इसे बनाना है। इसकी वीडियो अपलोड है, लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। पैन को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर चटपटी को ऐड करेंगे और साथ में मैश किए हुए आलू को भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, फ्लेम को यहाँ पर अभी मीडियम रखेंगे। इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर इमली के पल्प को ऐड करेंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक बड़ी चम्मच इसके अंदर चाट मसाला और ऐड करेंगे, कम था, और यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया इसे मिक्स करके पकते हुए। यहाँ पर फ्लेम को हाई रखेंगे, इसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और इसे बॉयल आने तक पका लेंगे। बहुत इसी तरीके से बनाना बता रही, नमक एक दफ़ा टेस्ट कर लें। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे पकने में और यहाँ पर ये तैयार है। तो यहाँ पर इसे मैं निकाल लूँगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। एक बारीक कटा हुआ मूली लिया है, 7 से 8 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 100 ग्राम सेव, 100 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल, 2 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 बारीक कटा हुआ खीरा लिया है, 2 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर लिया है और 1 कप बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती लिया है और यहाँ 1 लेमन जूस लेंगे। अगर आपको इमली का खट्टा ऐड करना तो कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पर चटपटी को मैं बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि मैं इसे घर में सर्व कर रही हूँ और बहुत सिंपल और इजी तरीके सर्व करना बताऊँगी ताकि आपके गेस्ट आएँ, आप इस तरह से सर्व करें और मिला मिला कर दें, ऊपर से गार्निशिंग करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, ज़रा सा इसके अंदर काला नमक भी ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं इमली का खट्टा नहीं ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऊपर से इमली का खट्टा भी डाल सकते हैं। और बारीक कटे हुए खीरा, प्याज, जितनी सारी चीज़ें हैं सबको मैं सजा दूँगी। इसे मुझे अभी सर्व करना है तो मैंने इसे इसके ऊपर सब कुछ सजा दिया है। जब मुझे सर्व करना होगा बस इसे मिलाऊंगी और प्याले में ऐड करूंगी, किस तरह ऐड करूंगी वो भी मैं आपको दिखला दूंगी आगे। उस तरह से मिलाएं और इसे गार्निशिंग करें और सर्व करें। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो फाइनली यहाँ पर सर्व करने के लिए चटपटी तैयार है। इसे मिक्स करेंगे और एक प्याले के अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इमली के खट्टे को ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नींबू का खट्टा ऐड करूँगी, इमली नींबू दोनों ही ऐड किया जाता है। और इसके अंदर चटपटी को ऐड करने के बाद प्याज, नारियल, टमाटर, धनिया पत्ती, सेव सब कुछ एक बार फिर इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसे मैं सर्व करके सबों को पेश करूँगी। अगर मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।